जयपुर के श्री ठाकुर साहिब लदाड़ा के पास एक मुसलमान सज्जन आए। उनके गले में तुलसी की कंठी बंधी थी। ठाकुर साहब ने पूछा कि आप मुसलमान होते हुए तुलसी की कंठी कैसे पहने हुए हैं। उत्तर में उन्होंने कहा, एक बार मैंने प्रत्यक्ष बड़ा चमत्कार देखा है, इसीलिए तब से यह तुलसी की माला हमेशा रखता हूँ। ठाकुर साहब ने पूछा कि ऐसा क्या चमत्कार देखा आपने। तब मुसलमान सज्जन ने कहा, एक समय मैं पैदल ही किसी दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बड़े आकार के दो मानव मिले। मैं डर गया। मुझे डरा देख उन्होंने कहा, डरो मत, हम यमराज के दूत हैं। अभी थोड़ी देर में एक आदमी गाड़ी लेकर आएगा, उसके बैलों की ज्योति टूट जाएगी, फिर हम बैल रूपी काल बनकर उसको मारकर यमलोक ले जाएंगे। यह सुनकर मैं वहां ठहर गया। थोड़ी देर बाद गाड़ीवान गाड़ी लेकर आया। गाड़ी टूट गई। गाड़ीवान ठीक करने के लिए नीचे उतरा। उसी समय बैल ने उसके पेट में इतने जोर से सींग मारा कि वो पेड़ों के झुरमुट में जा गिरा और उसके प्राण छूट गए। तब यम के दूत निराश होकर मुझसे बोले कि हम तो खाली हाथ लौट रहे हैं, अब हमारा इस पर अधिकार नहीं रहा, अब इसे भगवान के दूत ले जाएंगे। मैंने यमदूतों से कारण पूछा, तब वे बोले कि उस झुरमुट में तुलसी के पौधे थे, इसके शरीर से उनका स्पर्श हो गया, इसे यमलोक ले जाने का अधिकार नहीं रहा। इसलिए मैंने जब स्वयं तुलसी का चमत्कार देखा, तभी से मैं तुलसी की माला पहनता हूँ। दोस्तों, सभी वैष्णव भक्तों को तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। जब केवल तुलसी जी का स्पर्श करने से उस व्यक्ति को यमराज के दूतों ने हाथ नहीं लगाया और ठाकुर जी के सेवक लेने आए, तो अगर हम सब भी तुलसी की माला धारण करेंगे तो ठाकुर जी कितनी कृपा करेंगे।